पिछली वीडियो में टेंथ को सिलेबस को लेकर के और थीटा सारणी को लेकर के हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की है। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको उदाहरण भी बताए हैं। आज इस प्रश्नावली को लेकर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 6.1 का, 2 sin 45° एंड cos 45°। इसको सॉल्व करने से पहले आपको साइन 45 और कॉस 45 का मान पता होना चाहिए, जो आपको थीटा सारणी से मिलेगा। मैंने आप दोनों को पहले मान लिख लेता हूँ जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ये दोनों मैंने थीटा सारणी से लिए हैं, तो आप चाहो तो यह लिख भी सकते हो सारणी से इस तरह से, इससे सामने वाले क्लियर रहे। इसको सॉल्व करने कर लेते हैं। अब ये दोनों मान प्रश्न में रखते हैं। 2 sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। अब इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? ये आपस में ये भी मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक को मल्टीप्लाई करने पर 1 प्राप्त होता है और √2 और √2 को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार तो आप साइड में लिख भी सकते हो √2 √2 = 2। ये कुछ बेसिक चीजें मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बता रखा है। इस प्रकार ये आया नीचे 2, ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई है, रहेगा 1। ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार इसका आंसर 1 निकला। अब हम आगे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, cos 45° cos 60° माइनस sin 45° और sin 60°। इसको सॉल्व करने से पहले अगर सभी के मान लिख देते हैं, क्या क्या मान है? cos 45° का मान होता है 1/√2, cos 60° का मान होता है 1/2, sin 45° का मान होता है 1/√2 और sin 60° का मान होता है 3/2। ये सभी मान मैंने देख लिए। अब इन सभी मानों को इस प्रश्न में रख दीजिए और आंसर हमारा निकल जाएगा। करते हैं हम मान cos 45 का मान 1/√2, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। cos 60° का मान ये रहा 1/2, बीच में माइनस है माइनस। sin 45 का मान ये रहा 1/√2, ये भी आपस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। sin 60 का मान ये रहा 3/2। ये हमने सारे क्वेश्चन में मान रख दिए। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर से मल्टीप्लाई है तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/√2 माइनस, फिर 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 कुछ इस प्रकार। अब यहाँ देखिए 2/√2 आ रहा है और यहाँ भी 2/√2 आ रहा है। इन दोनों का आपस में एलसीएम लिया जा सकता है, तो देखिए आपस में हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 2√2, क्योंकि यहाँ भी नीचे हर में सेम संख्या है और यहाँ भी हर में सेम संख्या है। इनका एलसीएम लेंगे 2√2 आएगा। इसका इसमें भाग देंगे 1 बार, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, बीच में माइनस का साइन है तो बीच में माइनस लगेगा, और 2√2 का भाग हम नीचे वाले 2√2 में देंगे 1 बार जाएगा और 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/√3 आएगा। इस प्रकार इसका आंसर हमारा रहा 1 √3/2. अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30° upon 1 - tan²30°। इसको सॉल्व करने से पहले हमको tan 30 का मान पता होना चाहिए, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 है, जो हमें ऊपर भी रखना है और नीचे भी रखना है, क्योंकि ऊपर भी tan 30 है और नीचे भी tan 30 है। तो रखिए 2 tan 30 की जगह 1/√3/1 - tan 30 की जगह फिर से 1/√3। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अभी हमने मान रख दिया है, अभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 और नीचे √3 है √3 डिवाइड
1 की जगह 1 है माइनस अब 1 बाय अंडर रूट 3 का आप स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 जो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बता रखा था जिस प्रकार रूट के स्क्वायर होते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं आप एक लिख सकते हो। अब ये बट्टे वाली संख्या बन चुकी है अब यह एलसीएम लेकर के सॉल्व होगी। अब आप आगे एलसीएम लेते हैं 2/3 अपॉन नीचे एलसीएम लेते हैं 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3 1 का डिवाइड आप 3 में करोगे 3 टाइम और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस 3 का 3 में डिवाइड करोगे 1 टाइम 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 तो आगे क्वेश्चन आएगा 2/3 अपॉन 3 में से 2 बन जाएगा 2/3। अब बट्टे के बट्टे में संख्या है तो अब हम इसे इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं जब बट्टे के बट्टे में संख्या हो तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है और आपस में अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में। इस प्रकार किस प्रकार सॉल्व करते हैं 2/√3 और नीचे 2/3 इसको सॉल्व करने का तरीका है 2/√3 ये नीचे वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपस में चेंज हो जाएगी कुछ इस प्रकार। देखिए 2/3 है वहाँ 3/2 हो गया जो चीज़ थी हर में अंश में बदल गई और अंश हर में बदल गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई है तो काटे जा सकते हैं तो ऊपर हमारा आंसर है 3 और नीचे √3। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे हम जानते हैं इस त्रिकोण किस प्रकार लिखा जा सकता है। इस त्रिकोण √3 × √3 जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 3 बनता है तो जब 3 है हम आपस में √3 लिख सकते हैं तो ऊपर वाली जगह हम लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन नीचे भी √3 है 1√3 से 1√3 चला जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर बच जाएगा √3। इसका आंसर √3 निकलेगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे cos x is equals to cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। इस मान को सॉल्व करने से पहले इसमें हमें ये पता चल रहा है यहां x दे रखा है x दे रखा मतलब इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब इस s का मान कितना है ये पता करना है x का मान क्या होगा। x का मान हमें पता नहीं है अब x का मान कैसे पता चलेगा देखिए आगे सबसे पहले हम इसके मान साइड में लिख लेते हैं क्या क्या है cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 sin 60 डिग्री sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये हमने पहले सारे मान लिख दिए अब इन सभी मानों को इस प्रश्न में रखेंगे और हमारा आंसर निकलेगा। देखिए किस प्रकार cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री का मान है 1/2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाओ cos 30 डिग्री का मान है √3/2 बीच में प्लस का साइन है प्लस sin 60 डिग्री का मान ये है √3/2 और sin 30 का मान 1/2 कुछ इस प्रकार यह हमारा आ चुका है। अब आगे सॉल्व करेंगे cos x बराबर 1 का मल्टीप्लाई हम √3 से करेंगे √3 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 बीच में प्लस है प्लस ये √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब हम आगे cos x यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है तो एलसीएम आएगा 4 4 में 4 का भाग एक बार 1/√3 से गुणा करा √3 प्लस 4 में 4 का भाग एक बार 1/√3 से गुणा करा √3। आगे चलते हैं cos x बराबर √3 ही गया √3 गया आपस में 2 है तो इनको एडिशन करना है बीच में ऐड का साइन चिन्ह है तो ये ऐड होकर 2/√3 बनाएगा और नीचे 4 cos x इस 2 को काटा जा सकता है एक बार इस 2 को काटा जा सकता है 2 बार 2 के पार्ट से एक बार 2 के पार्ट से 2 बार तो हमारा ऊपर आया √3 और नीचे 2। अब आपको पता करना है कि cos की टेबल के अंदर √3 बटा
लोग किसका मान होता है, तो आपको पता है कॉस के टेबल के अंदर अंदर अंडर रूट 3/2 मान कॉस 30 का होता है। इस जगह हम कॉस 30 बराबर हम जानते हैं अंडर रूट 3/2 होता है, तो जहां रूट 3/2 है वहां कॉस 30 लिखा जा सकता है, कॉस 30 डिग्री। इस कॉस से ये कॉस कट गया, एक्स बराबर हमारा माना है 30 डिग्री, ये इसका आंसर होगा, एक्स बराबर हमारे पास 30 आया ये आंसर। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर रूट 3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। अब हमें इसमें इस x का मान निकालना है कि इस x का मान क्या होगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी किया है उसमें भी x का मान निकला है, इसमें भी x का मान निकालना है, किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम सभी मान लेते हैं किस किस का मान क्या क्या होगा, sin 30, sin 30 का मान होता है 1/2, sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 1/√2 और sin 90 का मान होता है 1। इस प्रकार हमने सारे मान रख दिए हैं, अब ये सभी मान इस प्रश्न में रखते हैं और हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, √3 tan 2x बराबर sin 30 का मान है 1/2 प्लस sin 45 का मान है 1/√2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, cos 45 का मान है 1/√2 ये वाला प्लस 2 sin 90 का मान है 1, ये 2 मल्टीप्लाई में है इसलिए हम मल्टीप्लाई में रख दिया है। आगे चलते हैं, √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक का एक से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बनेगा प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, इसके नीचे कुछ नहीं एक लिखा जा सकता है कुछ इस प्रकार। अब आगे चलते हैं, √3 tan 2x 2 और नीचे 1, इन सभी का एलसीएम आएगा 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, कुछ इस प्रकार। अब आगे चलते हैं, √3 tan 2x बराबर 1 और 1 और 4 टोटल 6 हो जाएंगे ऐड होकर के, तो इस प्रकार 6/2 √3 tan 2x 2 का भाग 6 में देंगे 3 आएगा, ये tan 2x के मल्टीप्लाई में √3 है, मल्टीप्लाई वाला बराबर के जब हम भेजते हैं तो भाग में चला जाता है, तो ये जो √3 है ये भाग में चला जाएगा, तो tan 2x बराबर 3/√3 tan 2x। इस 3 की जगह आपको बताया है, 3 की जगह आप लिखा जाए आप देख सकते हो √3 × √3 जिससे नीचे वाला √3 कैंसिल आउट हो जाए हट जाए, तो ऊपर वाला √3 × √3 लिखा जा सकता है और नीचे √3 √1 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा tan 2x बराबर √3। अब आपको पता है tan की सारणी के अंदर √3 कितने डिग्री पे होता है, tan की सारणी में √3 tan 60 डिग्री पे होता है, तो हम tan √3 की जगह tan 60 भी लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर √3, √3 की जगह tan 60 लिखेंगे यहाँ पर, tan 2x बराबर tan 60 डिग्री, इस tan से ये tan कट जाएगा क्योंकि आपस में बराबर है, तो हमारे पास निकल क्या आएगा 2x बराबर 60 डिग्री। हमें x का मान निकालना है, ये दो मल्टीप्लाई है उधर जाकर भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 60/2 पर 2 का भाग हम जब 60 में देंगे तो x बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार हमारे पास x का मान 30 डिग्री आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 cos square
45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू मैंने दे रखा है 6। इसका मतलब है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आपको 6 आना है। अगर आपका राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाते हैं बराबर आ जाते हैं इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इनके मान लिख देते हैं। cos 45 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 2, tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3, sin 45 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 2 और tan 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3। कुछ इस प्रकार के चार मान होंगे। इन सभी चारों मानों को प्रश्न में रखते हैं और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। देखते हैं कैसे। 2 cos 45 का मान cos 45 का मान है 1 बटा अंडर रूट 2। ये देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस tan 60 tan 60 का मान है अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस माइनस 6 फिर ब्रैकेट ओपन इसका मान है 1 बटा अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस tan 30 tan 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और कुछ इस तरह से 2 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। मैंने आपने पिछले वीडियो में बताया अंडर रूट 3 का स्क्वायर कैसे करते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर कैसे करते हैं तो उसी प्रकार अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 पर इसके नीचे कुछ नहीं ये लिखा जा सकता है माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 कुछ इस प्रकार। इस क्वेश्चन में काफी हद तक हमारा क्वेश्चन आंसर निकलता जा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 2 और 1 इसका एलसीएम आएगा 2 2 का भाग 2 में देंगे एक बार जाएगा 1 को हम 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा प्लस 1 का भाग हम जब 2 में देंगे तो 2 बार और 2 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 माइनस 6 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। दो और तीन कैल्सियम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया भी फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस प्रकार। दो का भाग देंगे एक आएगा दो का भाग तीन में नहीं जाता तो तीन ही रहेगा और फिर तीन का देंगे तो एक और एक इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स टू और थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा। इसी प्रकार सिक्स यहाँ पर इसका एलसीएम निकला। दो का भाग जब हम छः में देते हैं तो तीन बार जाता है और तीन का भाग तीन से हम जब एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन आएगा माइनस तीन का भाग जब हम छः में देंगे तो दो बार जाएगा और दो को जब हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो आएगा कुछ इस प्रकार। अब ये देखिए दो एक और छः सात ऐड करते हैं और नीचे दो है दो माइनस सिक्स तीन में से दो जाएगा माइनस होगा तो एक बटा छः इस दो से ये दो कैंसिल आउट होगा क्योंकि आपस में दोनों गुणा में ये छह से ये छह मल्टीप्लाई होगा सॉरी कटेगा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आपके पास सेवन रहेगा बीच में माइनस और यहाँ आपके पास वन रहेगा सेवन में से बन जाएगा तो सिक्स रहेगा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड सिक्स आया जो राइट हैंड साइड में सिक्स था इस प्रकार हमारा आंसर सिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x हम x बराबर हमको 30 डिग्री दे रखा है sin x बराबर दे रखा हमको अंडर रूट 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। अब हमको ये इसमें देखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा मान दे रखा है और जो राइट हैंड साइड में हमको जो मान दे रखा है ये दोनों मान आपस में बराबर होने चाहिए। यदि आपस में दोनों बराबर है तो हमारा आंसर सही है अगर दोनों बराबर नहीं है तो हमारा आंसर गलत है। तो देखते हैं हमारा आंसर किस प्रकार है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है हमको साइन एक्स एक्स का मान हमको प्रश्न में दे रखा है एक्स बराबर 30 डिग्री तो जहां एक्स है वहां 30 डिग्री रखना है
हम जानते हैं 37 का मान 1/2 होता है, 1/2। ये हमारा मान आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड 1/2। 37 से हमको पता है 37 का मान 1/2 होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ हमको दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2, ये अंडर रूट में दे रखा है। अब चलते हैं आगे, जहां x है वहां हमें 30 रखना है। चलिए 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 डिग्री बटा 2, जहां x था वो हमने 30 रख दिया है। अब देखिए आगे 1 माइनस कॉस, जब हम 2 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 60 आएगा, 60/2। अब आगे चलते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस 60 डिग्री आया बटा नीचे 2, कुछ इस प्रकार। अब हम जानते हैं कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो रख सकते हैं 1 माइनस 1/2 60, जैसा हमें पता है कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 रख दिया और नीचे बढ़ जाए 2, इसके नीचे कुछ नहीं, एक लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं कैल्शियम लेते हैं, 1 और 2 कैल्शियम 2 आएगा, 1 का भाग जब हम 2 में देंगे तो बस 2 बार, 2 को जब हम ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार और 1 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा बटा ये जो ऑलरेडी 2 है, ये पूरा अंडर रूट है इसके साथ। आगे चलते हैं, 2 में से 1 जाएगा 1, नीचे बट्टे में 2 है और ऑलरेडी नीचे 2 है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि बट्टे के में बट्टे में हो तो नीचे वाला किस प्रकार सॉल्व होता है, ये नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आगे देखिए 1 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, अब इसे अलग अलग किया जा सकता है अंडर रूट को अलग अलग इस प्रकार, अंडर रूट क्योंकि दोनों संख्याओं पे है तो दोनों संख्याओं को आप अलग अलग अंडर रूट लगा सकते हैं। तो अंडर रूट 1 हो गया और नीचे बटे में अंडर रूट 4 हो गया। आप जानते हैं अंडर रूट 1 का मान 1 होता है और अंडर रूट 4 का मान 2 होता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 आया था और राइट हैंड साइड में भी 1/2 आया है, इस प्रकार हमारा आंसर ये प्राप्त हुआ। थैंक यू। हम आपके लिए पिछली वीडियो के अंदर 10th क्लास के सिलेबस को लेकर और इससे टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर आए थे, जिसके अंदर आपको कई एग्जाम्पल सॉल्व करवाए हैं। आज हम प्रश्नावली 6/1 के करीबन 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप चाहो तो प्रश्नावली में और भी क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर सकते हो। यदि उसमें कोई डाउट रहता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर कभी भी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो, जिससे आपकी स्टडी कंटिन्यू बनी रहेगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं, जिससे हम आपके लिए नई से नई वीडियो लाते रहें। थैंक यू।